रविवार को तेलुगु पद्माशाली समाज का वार्षिक स्नेह सम्मेलन विभिन्न आयोजनों के साथ भिलाई में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में समाज की संगठनात्मक शक्ति बढ़ाने चर्चा की गई एवं मेधावी छात्र छात्राओं सहित समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित भी किया गया। भिलाई तेलुगु पद्मशाली समाज के मार्कंडे जयंती मनाते हुए अपना वार्षिक स्नेह सम्मेलन संपन्न किया। साथ ही समाज के पुराने कार्यकारिणी की 5 वर्ष के कार्यकाल के समाप्त होने पर नए कार्यकारिणी का गठन भी इस अवसर पर किया गया। पारिवारिक स्नेह सम्मेलन के बीच अतिथियों ने अपने उद्बोधन में पद्मशाली समाज द्वारा समाज हित और जनहित में किए गए कार्यों की सराहना दिल से की और समाज को एकजुट होकर आगे बढ़ने का आह्वान भी किया। बता दें कि भिलाई पद्मशाली समाज के अध्यक्ष श्रीनिवास ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया है कि सामाजिक वार्षिक स्नेह सम्मेलन में हर वर्ग और समुदाय के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जैसे रंगोली प्रतियोगिता एवं मंची कार्यक्रम के दौरान रंगारंग नृत्य प्रतियोगिता आयोजित की गई है। तो वहीं समाज के वरिष्ठ एवं सामाजिक हित में अविस्मरणीय योगदान देने वालों को भी मंच के माध्यम से सम्मानित किया गया है। उन्होंने यही बताया कि मार्कंडे जयंती के अवसर पर अपना वार्षिक स्नेह सम्मेलन संपन्न करते हुए नए कार्यकारिणी का गठन भी किया गया है और ये कार्यकारिणी आने वाले 5 वर्षों तक समाज हित एवं समाज उत्थान की दिशा में पूरी कर्मठता से कार्य करेगी। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने भी इस मौके पर अपना उद्गार व्यक्त किया। आज हमारे समाज का वार्षिक जो है मार्कंडेय जयंती हर साल हम मनाते हुए आ रहे हैं और सभी महिलाएं पुरुष और सभी एक साथ मिलकर इस कार्यक्रम को करते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है और इस बार जो है हमारा 5 साल का कार्यकाल खत्म हो चुका था और नई कमेटी भी बनाना था, उसी के साथ हमने पुरानी कमेटी और नई कमेटी का गठन किया और पूरे हर्षोल्लास के साथ जयंती मनाया जाता है हर साल। इस कार्यक्रम के दौरान हमने सबसे पहले महिलाओं के लिए खेलकूद का आयोजन किया था, महिलाओं के लिए रंगोली प्रतियोगिता, बच्चों लोग के लिए कार्यक्रम और जो भी डांस प्रतियोगिता है उनमें हमने प्रतियोगिता में जो भी भाग लिए हैं उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम समाज द्वारा किया जा रहा है। मैं आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ, आप सबको आज के शुभ दिन की बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ मैं और आप लोगों को इसके साथ साथ संगठित रहने का जो मूल मंत्र है भिलाई पद्मशाली समाज का उसके प्रति भी आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेरित करता हूं। आज आप लोगों की उपस्थिति थी और आज के कार्यक्रम को देखकर ही आप लोगों के संगठित होने का जो अनुभव मुझे हो रहा है मैं समझ सकता हूं कि आप लोग एक भिलाई के संगठित समाज के रूप में हैं। और एक विषय पर कहना चाहता हूं, अभी वेणु भाई जब मैं आया तब उन्होंने मेरी प्रशंसा की, मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ मेरी और भैया की उन्होंने प्रशंसा की। पर मूल मंत्र ये है कि कोई भी जनप्रतिनिधि विकास के आयाम तभी स्थापित कर सकता है जब उसके पीछे चल रहे जन समूह का उसके ऊपर आशीर्वाद हो। भिलाई और सेक्टर 5 की जनता विशेषकर और आपके समाज के बहुत सारे लोगों से प्रत्यक्ष रूप से भैया के संबंध रहे, हम लोगों के संबंध रहे, आप सबकी प्रेरणा से ही सब कुछ हो पाता है। कोई भी जनप्रतिनिधि अगर विकास हासिल करता है तो उसके पीछे मूल मंत्र जनता होती है। आप सबके लिए मैं चाहता हूँ कि एक बार जोरदार तालियाँ बजनी चाहिए। यहाँ पर पद्मशाली समाज के द्वारा किया गया क्या बात? मैं चन्ना के सोलो ऑल इंडिया तेलुगु सेना प्रदेश अध्यक्ष अभी मिले और आज के सत्यभाई बालाजी भवन के पद्मशाली का एक बहुत ही अच्छा मिलन समारोह कार्यक्रम मार्कंडेय के अध्यक्ष में रखा गया है। इस कार्यक्रम में काफ़ी लोग उपस्थित हो रहे हैं, अपने तेलुगु समाज का एक अलग रूप दिखाएंगे और सांस्कृतिक कार्यक्रम में बहुत अच्छे अच्छे हुए हैं। पूरे पद्मशाली मिलाई समिति को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं। इस तरह का कार्यक्रम हर वर्ष वो बढ़ चढ़ कर और हम सब इस कार्यक्रम में साथ देंगे, समाज को आगे बढ़ाएंगे। हम सब चाहिए भिलाई पद्मशाली समाज लगातार अपने समाज को संगठित करते हुए आगे बढ़ रहा है और सामाजिक गतिविधियों को गति प्रदान करके पद्मशाली समाज को लगातार शिखर पर पहुंचाने का प्रयास भी कर रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए प्रवीण मिर्जे की रिपोर्ट।